तो आज हमने पहली बार अपनी लाइफ में चला रहे कौन सी बाइक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, और जहां मौसम देखिए आप, ऐसा लग रहा है सर्दियां वापस आ गई हैं। लेकिन अभी फिलहाल टाइम यहां पे 2 बज रहे हैं, मतलब अपनी वीडियो अपलोड करने का टाइम आ गया है। तो पहले अपनी रील्स अपलोड कर लेते हैं। आज हम लोगों की सेंचुरी पूरी हो जाएगी गाइस, 100 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं आज, मतलब आज। तो चलिए फिर इसको सेलिब्रेट करते हैं, पहले वीडियो अपलोड करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चेक दिस आउट गाइस, नानीमा आ गई। नानीमा गई थी लॉन्ग ड्राइव पे। जैसे कि आपको बताया था कि शाहरुख खान हो गए 18 साल के, तब उनके बन रहे हैं डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो पासपोर्ट वगैरह सारी चीजें बन रही हैं। तो उसमें मेरे भी एक पैन कार्ड में एक मिस्टेक थी, हमने कहा वो भी सही करा ले, और वो हुई नहीं। तो शाहरुख को वहीं भेजा था कि अपना भी सही करा के आओ, मेरा भी सही करा के आओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा काम नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे आधार कार्ड में भी वही नाम और पैन कार्ड में भी वही नाम। तो उन्होंने कहा कि पहले आधार कार्ड सही करा के आइए, फिर पैन कार्ड पे आइएगा, तो आगे ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने कहा अभी सही करा लें, जब जागो तब सवेरा। ये ऐसी चीजें हैं जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आपका भी गलत हो, आपकी फैमिली के में किसी का नाम गलत हो, तो उसे सही करा लीजिए। और यहाँ पर रखी है हम लोग डंबल, मतलब डंबल नहीं रॉड, रॉड नहीं डंबल, डंबल नहीं रॉड, मतलब जो भी कह लीजिए। नहाने से पहले वर्कआउट हो चुका है और अब नहा भी चुके हैं, अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं आपके लिए, कॉन्टेंट बना रहे हैं। लेकिन गाइज, हम लोग एक चैलेंज लेने वाले हैं, चैलेंज लेना अपना काम है। तो 365 दिन जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं कि जिम हम 1 साल लगातार जाएंगे, और ये जो बॉडी है इसको देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ऑल द मोटिवेशनल स्पीकर को सब सुनते हैं कि आप लोग ये करिए वो करिए, मगर उसको अप्लाई नहीं कर पाता है कोई, मतलब बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं। अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या चीज है, वो रिजल्ट आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो हम कर रहे हैं। देखते हैं कि 2023 में ऐसी बॉडी थी, 2024 में कैसी बॉडी होगी। कमेंट बताइए। और हाँ, वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी कर दीजिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, एक लाइक कर दे, कोई करे ना करे आप कर दीजिए, बस खत्म बात। और गाइस, हमारी क्यारी में यहाँ देखेंगे तो आपको जंगल दिखेगा, और यहाँ देखेंगे तो गुलाब का फूल दिखेगा। लग रहा किसी की नियत लग रही है फूल खाने के लिए। हाँ, अब नानी माँ आ गई, अब ये घर एकदम रौनक हो गई, अब घर में अब लग रहा कि इंसान आए हैं। नानी माँ, सारे ने इतने फोन करे, इतने फोन, 15 फोन करे, इतने कॉल करते हो भाई तुम यार। आधार कार्ड पैन कार्ड क्या चेंज कराने गए, इतने 15-20 कॉल कर दी हमें। कॉल आते वेरी बिजी पर्सन। अब ये बोलता है कि पानी भी नहीं भर पाते ना तुम लोग, चलो भर के रखो। देखो गाइस कितने प्यासे हैं, 1, 2, 3, 4। देखिए गाइस, सर्दी आ गई, सर्दियां आ गई। दिल्ली में घोर बरस रहा, बाहर बहुत ठंडा है, सही है। घूम भी आए, काम भी कर आए, यहाँ पे सर्दी लग रही। कहा जाता है जंगल में नाचे मोर जब मौसम हो बहुत अच्छा। वहाँ के कपल्स अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे सिंगल ब्लॉग बना रहे हैं। अपने अपनी प्रायोरिटी है, हम लोगों को कैरियर पसंद है, किसी को लड़कियां पसंद है, तो किसी को खाना पसंद है, तो किसी को घूमना पसंद है, सब चीजें अच्छी हैं। जैसे आपको लाइफ चाहिए वैसे आप आज काम करेंगे, वैसे आपको आगे लाइफ मिलेगी। लड़की घुमाएंगे तो आपको लड़की अपने मनपसंद की मिलेगी, कैरियर बनाएंगे तो आपको कैरियर आपको अपना मनपसंद का मिलेगा। अंधेरा हो गया क्या, 1 मिनट। और अगर आप जिम जाएंगे तो आपको बॉडी आपके मनपसंद की मिलेगी। जैसे आज के एक्शन, कल का ड्रीम आपको पूरा होगा। मगर अभी हल्की सी भूख लगी आई थी, तो हमने कहा लाओ एक ग्लास दूध पी दिया जाए। ठंडा दूध यहाँ पे निकाल के गर्म करने के लिए जा रहे हैं, और ये स्टार्ट करा जिम। और ये रहा हमारा पतंजलि, कहाँ गया ये रहा पतंजलि, नॉट इज पॉन्चर्ड। एंड गाइस चेक दिस आउट, शाहरुख के फ्रेंड नारायण नई बाइक के साथ। हे बड़ी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। अब जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग बाइक ले रहे हैं, मगर बाइक चलानी नहीं आती आपको मालूम है? नहीं मालूम ये बात, ये बार आज मालूम चल गई है। तो हमें बाइक चलानी नहीं आती, तो एक बार ट्राई करने की बात। पक्का गिरा रही हो तो? अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी तो हार रही है, वो गिराई जाएगी। आज हमने पहली बार अपनी लाइफ में चला रहे कौन सी बाइक? पल्सर। ऑन करी स्टैंड ऊपर करी स्टैंड सेंसर बोलते हैं वाले, कितने एक आगे बाकी अंदर डाल के ऐसे ऊपर करते हैं। नहीं दिया हो गए बी पीछे का आगे का नहीं बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच।
अरे आपके वजह से आपने बाइक चला ली। तो कैसे दिखाया था? था थोड़ा बहुत तो दिखाया था। वो जो बुक मारी थी। जाहिल आदमी है गाइस, जिंदगी में पहली बार बाइक चला के आ रहे हैं, कैसी लगी? अब इतना भी नोबड़े नहीं हुए यार, मैं कहा यार प्रैक्टिस कर ले, कहीं ऐसा ना हो जब तक अपनी बाइक आए और वहीं चोरी में गिरा दे हम लोग। प्रैक्टिस ना होना अलग चीज है, मगर बिल्कुल ना आना ये गलत बात है। मतलब ये पता है कि अपनी बाइक आएगी तो चला लेंगे। मम्मी हम बाइक चला के आए। अरे आपके दोस्त की हमें तो नहीं दिखाई। अरे हम कहाँ चला पाते? हाँ, जरूर नहीं चला पाते। और क्या, फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी आगे बढ़ाई, सेकंड गियर लगाया, फुक हो गई, बॉडी कप रही थी, कहीं गिर ना जाए। कप इसलिए नहीं रही थी कि बाइक गिर जाए, कप इसलिए रही थी क्योंकि किसी और की बाइक है। आज हम उसकी गिराएंगे, कल वो मेरी गिराएगी। गिराने की बात ही नहीं, पैर इतने लंबे लंबे हैं। अरे छोटी सी लग रही थी, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आज बहुत मजा आया। अपनी कब आ रही? इसी मार्च में आई। पक्की बात? चलो, अब तुम लोगों ने बाइक ही ऐसी बुक करी है, जब जानते हो कि इसको तीन तीन चार चार महीने उस पर वेटिंग है, तो वो कोई क्या करे। जब बड़ी बाइक है, जब बड़े ख्वाब है, तो स्ट्रगल और मेहनत और टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऐसी जाके शोरूम वाली में ले लो जाके, तो लेकिन उस बाइक में मजा नहीं आएगी। BMW की बात ही अलग है, BMW के लिए तीन का चार पाँच महीने हम वेट कर ले। अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि शोरूम से निकाल के तो हम ही लाएंगे, मतलब इतनी चलानी आती है। पहले भाई जब दिल में ढकते कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, भाई साहब शोरूम से निकालेंगे, कौन चला के लाएगा? सारे चला के लाएगा, पापा जी चला के लाएंगे, और जहाँ दिल में डर कि हम चला के लाए, मगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन अब आ गया कॉन्फिडेंस, मतलब घर तक ला सकते हैं, इतना है। अब फिर तो आप लोग हो ही सिखाने के लिए। कैसी लगी? बढ़िया चलाई। बढ़िया चलाई, ऐसा तो नहीं लगा कि पहली बार चला रहे? नहीं नहीं, पक्की बात? बताओ पल्सर चला? वही गियर सिस्टम उसका भी है। यही गियर सिस्टम है तो क्या चला लेंगे कि नहीं? BMW नहीं, भारी होगी BMW। हाँ, भैया ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं, इनके दोस्त यार में चलाते रहते हैं। हमारा एक उसूल है कि चलाएंगे तो अपने चलाएंगे। बेटो हमने कहा कि लाओ प्रैक्टिस के लिए चला ले। ऐसी सर्दी हो रही है, हम देखो जरा पंखा चला रहे हैं। तुम कब खाओगे हमें? तो अब चिल्लाएंगे। तो गाइस, हम लोगों को AC भी बनवाना था, मगर मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि AC बनवाने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी। तो यहाँ पे कंप्रेसर में क्या हुआ है कि गैस निकल गई है, और गैस निकलने का मेन रीजन ये है, अभी तो भरवाई थी हम लोगों ने। तो फिर भैया आए, भैया कह रहे हैं कि यहाँ पे ये ऊपर रखा है तो ये हिलने की वजह से गैस निकल जाती है। इसको अगर हम लोग ऊपर शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पे खर्चा बता रहे हैं, बढ़िया अच्छा खासा मोटा ताजा, मगर जितने का वो खर्चा हो रहा है उतने में हम 10 बार गैस भरवा लेंगे। देखते हैं अभी क्या करना है, मगर AC भी चलना बहुत जरूरी है क्योंकि भाई गर्मी आ रही है। अभी तो फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया है, मगर गर्मियों में ये ऐसा मौसम रहने वाला नहीं है जिंदगी भर। गाइस, मम्मी के लोगों का काम करवा लिया AC का, और उनको पैसे नहीं दिए। नहीं, हमें क्या पता, उन्होंने बताया ही नहीं, हमने तो बाद में देखा कि कुछ डाल दो रहे थे गैस है। AC में गैस भरवा ली, काम करवा लिया, और तो क्या हुआ, पैसे तो देना है, बहुत जरूरी है। अभी हम लोगों ने इनको दे दिए, और उन्होंने भी नहीं कहा। हाँ, हमने देखा सही को सिलेंडर और कूलिंग। फिर मम्मी ने कॉल करी कि नासिर भाई अपने पैसे तो दिए नहीं, करने आ रहे अब ठीक है, घर वाला मामला हमने, ऐसे कैसे गैस थोड़ी फ्री में आ रही। दुकान कहाँ दुकान निकलेगी? Wow, what a dukaan man, what a dukaan. नानू आपकी बिटिया कैसी है? नानू मैं, नानू आपको कुछ सिखाया नहीं? नानू कुछ सिखाया नहीं? तेल देखो तो, ये 30-10 रुपए तेल में भी नहीं भरी है, इसमें कम से कम आएगा 50 रुपए तेल। अरे वाह, नींद आ रही यार, कौन जा रहा है? लेकिन मैं देख रही मम्मी, रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं, देख रही दिन में सो रहे हैं, देख नहीं। देखो बोल कौन रहा है, बोल देखो कौन रहा है। तो फाइनली गाइस, आज मशीन को खाना खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, मतलब वही पिलाया जा रहा है। गाइस चेक दिस आउट, हमारे घर में कारीगर आ गए, इन्होंने देखिए अपना वजन इतना कम करा, इतना कम करा कि बेचारे की चेन उतर गई। अभी इनके बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, जब दिमाग की हो रही है। यार नहीं तो मम्मी तुमको चढ़ा देंगे यार, सर तो बहुत ज्यादा है। ये देखो, ये मम्मी देखे कहाँ बैठा है, ये वो क्या कंडे लाना है? देखो कितना अच्छा आया जा रहा है, गेट मत खोलिएगा, चलिए काम करते हैं, कंडे जाते हैं, एक मुर्गी कंडे लेके आते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं कंडे लेने, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा भाग गया भाई, और कंडे जला लेंगे तो सही हो जाएगा। कंडे क्यों जलाना है, वो अंडे की डफ्फी जलाते हैं ना, मगर अंडे की डफ्फी की भी एक लिमिट होती है यार। इतने बड़े मोहल्ले में कंडे वाले कहाँ ढूंढे, देखो रिजेक्शन ना मिल जाए। तो गाय जंगल ने कह दिया देने के लिए, और देखिए अप्रोच करने की ताकत दिखती है। हम लोग पहले ही मन में बना लेते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अप्रोच करके देखिए। हेलो, ये कौन आ गया? हेलो, हाय करिए, हाय करिए, हेलो, और सेम 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 आए, अंदर आए,
चले अंदर चले चलो चले कितना क्यूट बच्चा। थैंक यू सो मच जंगल। अरे चलो ठीक है पकड़ लेंगे। थैंक यू। उसका गोबर गोबर ले आए। एक गोबर गिर गया काहे के लिए चाहिए। अच्छा मच्छर भगाने के लिए। गाय चेक दिशा और मच्छर मारने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे गैस में गोबर जलाया जाए। पन्नी मम्मी दूर करिए। एप्पल की पन्नी मम्मी एप्पल की पन्नी गाय एप्पल की पन्नी चेक दिशा। अरे दूर करो भाई महंगी पन्नी है। एप्पल की पन्नी में गोबर डाला जा रहा है। नहीं फैलाएंगे। फाइनली गाइस नेक्स्ट डे एसी बहुत बढ़िया चल रहा था और उसके बाद सब कुछ बढ़िया। लेकिन यहाँ पर देखिए लड़ाइयाँ हो गई। वो सामने जो लड़कियाँ जा रही हैं वो मंदिर का सामान लेके और मंदिर का सामान कबाड़ में बेच देती हैं। तो इसीलिए वो आंटी जी इनको चिल्ला रही है। और तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें क्यारी में भी आके लोगों बहुत सारे सामान लिए। हाँ हाँ वो मंदिर से भी सामान निकाल लिया उन्होंने। बताइए बाप रे बाप ये गलत बात है भाई। मंदिर का सामान चलो आप में नॉर्मल जी सारा सामान ले लिया मगर मंदिर का सामान बता भगवान जी चोरी हो गए। मतलब बिजनेस इम्पोर्टेंट है ये नहीं देख रहे कहाँ चुरा रहे भाई साहब। अरे ठीक है आपको भगवान जी चाहिए घर में लगाना है ठीक है मगर मंदिर से चुरा लिया। चाहिए तो खरीद लो ना। हाँ ये नहीं करेंगे चोरी कर और वो चोरी कर काय में डाल रही वो बोरी में डाल रही बहुत बढ़िया इसमें जाने कितना कूड़ा कबाड़ा सब भरा हुआ है मतलब कोई इज्जत ही नहीं भाई साहब। चलो गाइस आज का टाइटल मिल गया मोहल्ले में हुआ सीन। अपनी कमाई के लिए अब दूसरे के घर में जाकर थोड़ी चोरी करोगे ये फिर आपको कबाड़ बीनना नहीं हुआ ये फिर आपका चोरी करना हो गया। आपने अपने प्रोफेशन को चेंज कर दिया वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं आपने मंदिर से ही चुरा लिया बहुत बढ़िया। और गाइस मंदिर में तो चोरी हो गई चलो वो तो हो गई मगर अभी यहाँ पे सारे खान भी कुछ चुरा के लिए आए हैं। हमारे घर में आए हैं ये सालन नॉन वेज अब मेरे लिए क्या आया है हम तो सालन खाते नहीं है। अरे बिरादरी से अलग है हम नहीं खाते में आया है मार भड़बड़ाए चले जा रहे। क्या आया मेरे लिए कहाँ हमें नहीं दिख रहा झूठ बता रहे हैं भाई। क्या है हमारे लिए नॉन वेज नहीं खाएंगे हम। तुम्हारा ही बर्गर आया पाव भाजी आई। बर्गर आया अच्छा हमें लगे नॉन वेज रखा है आई शाबाश। एक डिश आउट गाइस बड़े बेटे का भी ख्याल रखा गया है और बर्गर और पाव भाजी आई है भाई साहब। लेकिन देखो देखो ये मंगवाया मम्मी ने मंगवाया यार मम्मी मंगवाती है ना कभी भी दो चीजें नहीं मंगवाती या तो बर्गर मंगवाएंगे या तो पाव भाजी मंगवाएंगे जो सस्ता होगा। हेलो गाइस बर्गर खाते हैं पाव भाजी खाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस अगले नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय।